हेलो नमस्कार, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस नए वीडियो में हम आपको आधार कार्ड जो खो गया है उसको कैसे फाइंड करेंगे बताने वाले हैं, तो बने इस वीडियो के साथ में। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है और आपके पास आधार कार्ड की पर्ची भी नहीं है, मानो कि आपके पास कुछ भी नहीं है, तो आप उस कंडीशन में आधार कार्ड को कैसे निकालोगे, तो आज की इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं कि आप कैसे आधार कार्ड को बिना किसी प्रूफ के फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस तरह के तमाम अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आपको बताते हैं कि आप कैसे अपने आधार कार्ड को फाइंड कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। सबसे पहले हम इस वाली वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस पर आने के बाद हम अपना आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे। आधार कार्ड डाउनलोड करते समय आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर का होना बहुत जरूरी है, उस कंडीशन में आपके पास आधार पर्ची का भी होना जरूरी है। तो इस अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप सबसे पहले आप इस वाली वेबसाइट पर आ जाइएगा, उत्तर प्रदेश खाद्य एवं राशन विभाग। अगर आपका नाम राशन कार्ड में है और आपको राशन मिल रहा है तो आप अपने राशन कार्ड के थ्रू अपना आधार कार्ड नंबर निकाल सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो चलिए हम बताते हैं कैसे। तो आप इस वाली साइट पर आ जाएंगे, इसका हम लिंक अपने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इस पे आने के बाद आप राशन कार्ड की पात्रता सूची पे क्लिक कर देंगे, अपना जिला सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी ब्लॉक पड़ता है अपना ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे और अपने गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे। अपना राशन कार्ड जो है इस तरह से निकलता है, अपना राशन कार्ड जो है पर्ची इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ से अपना राशन डिजिटल राशन कार्ड संख्या यहाँ से कापी कर लेंगे। कापी करने के बाद आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर आ जाएंगे, यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा फिल कर देंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो आप अपने पोर्टल पर आ जाएंगे, यहाँ से विभागीय एकीकरण सेवाओं हेतु आवेदन कर इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर देख लीजिए अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से आप फूड एंड सिविल सप्लाई राशन कार्ड पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप NFSA यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब फिर से दोबारा यहाँ पे आप थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको NFSA, इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके अपना माउस को थोड़ा सा इस तरफ ले जाएंगे इधर की तरफ, तो आपके एक पॉपअप विंडो खुलेगी, देखिए इधर से खुल रही है। आप यहाँ पर देखिए राशन कार्ड संशोधन हेतु आवेदन, इस पर क्लिक कर देंगे। अपना यहाँ से जिला सेलेक्ट कर लेंगे, आप जहाँ से बिलोंग करते हैं अपना राशन कार्ड नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, जिस राशन कार्ड में आपका नाम हो तो आप यहाँ से अपना राशन कार्ड नंबर के लिए डाल देते हैं। और सर्च पे क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है जिसमें आपके सामने आपके राशन कार्ड से संबंधित सभी डिटेल यहाँ पे शो करेंगी, जैसे बेसिक डिटेल्स, एड्रेस डिटेल, फैमिली डिटेल्स, बैंक डिटेल्स अटैच में आप जान सकते हैं कि आपके राशन कार्ड में क्या क्या लगा हुआ है। तो आप यहाँ से फैमिली डिटेल पे ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फैमिली डिटेल पे आपके जैसे ही आप फैमिली क्लिक करेंगे आपके सामने आपके फैमिली का पूरा डिटेल्स शो कर देगा। जैसे इस राशन कार्ड में 5 यूनिट हैं, इनके सभी इनके सामने देखिए आधार कार्ड क्रमांक यहाँ पे शो कर रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम पहले वाला जो है इस पे ये वाला कॉपी करने वाले हैं, तो आप इसका राशन कार्ड जो है कॉपी करके आप नोट कर सकते हैं। तो आपका यही राशन कार्ड आधार कार्ड नंबर है, अपना पूरे परिवार का आधार कार्ड नंबर आप यहां से नोट कर सकते हैं। अब उसके बाद आप आ जाएंगे UIDAI के पोर्टल पे, इसका भी लिंक हम आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या आप वेबसाइट पर आएंगे UIDAI.gov.in। इस पर आने के बाद माई आधार पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आर्डर आधार PVC कार्ड पर क्लिक कर देंगे और अपना आधार कार्ड जो है आधार PVC कार्ड के लिए बुक कर देंगे। यहाँ से देखिए आपको सामने है आर्डर आधार PVC, अपना यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा डालेंगे और यहाँ पे देखिए माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड, चलिए हम आधार नंबर डाल देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे कैप्चा डाल देते हैं, यहाँ पे हम टिक कर देंगे माई मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड, अपना दूसरा नंबर जो इसमें चालू होगा वो डाल देंगे यहाँ पे हम और यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेंड पे क्लिक करेंगे हमारे OTP जनरेट सक्सेसफुली, हमारे मोबाइल पे OTP आएगा, तो OTP को यहाँ पर डाल देंगे और यहाँ से टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक कर देंगे।
और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम ओटीपी डाल के टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। चलिए हम ओटीपी डाल देते हैं और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया है, सबमिट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे दिख रहा है कुछ नोटिसेज को हम ओके कर देंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आई हेयर बाई कंफर्म, यहाँ कंफर्म पे क्लिक करेंगे और मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करते ही आपके सामने एक विंडो खुलेगी जिसमें आपको पेमेंट के लिए बोलेगा। यहाँ से आप 50 रुपये का पेमेंट करता है, आप UPI के थ्रू या किसी के माध्यम से फ़ोन पे से आप कर सकते हैं, या आप भीम से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक होके आप इसके अलावा आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिलता है, पेटीएम का मिलता है, कार्ड का मिलता है। आप किसी भी तरीके से आप अमेजन पे से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं। आप कैसे किसी से UPI से हम करने वाले हैं तो UPI का कोड डाल देंगे और यहाँ पर अपना UPI पिन डाल के वेरीफाई पर क्लिक करेंगे और हमारे मोबाइल पे आएगा मैसेज को हम पे कर देंगे। इस तरह से आप अपना आधार कार्ड को अपने एड्रेस पे मंगा सकते हैं 1 सप्ताह या 10 दिन के अंदर, और बहुत ही आसानी से।